Hello, my dear students. I welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes. मैं नंदन सिंह आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल Oasis Classes में स्वागत करता हूं. लास्ट के लेक्चर में आपने स्टडी की भारत इन माई होम के क्वेश्चन आंसर को, ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट दोनों तरह के क्वेश्चन आंसर को पढ़ा आपने. आज हम लोग भारत इन माई होम की समरी पढ़ने वाले हैं. इससे पहले कि मैं आज की क्लास शुरू करूं, मैं आपसे एक दो बात बोलना चाहूंगा, और वो बात ये है कि आप लगातार क्वेश्चन आंसर लिखते जा रहे हो, आप लगातार समरी लिखते जा रहे हो. लिखने के अलावा आपने और क्या किया ये बताओ. क्या आप इसको तैयार भी करते जा रहे हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर ये एग्जामिनेशन हमें अगले महीने देना है तो कम से कम जो जो चैप्टर्स पढ़ाई गई उसमें मैं रेडी हूं, मुझे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इस चैप्टर से संबंधित. अगर कोई दिक्कत है तो दिक्कत के भी दो तरीके हो सकते हैं. एक वो दिक्कत जो आपने खुद से पैदा की है, यानी खुद से क्या पैदा किया कि आपको पढ़ा तो दिया गया लेकिन आपने पढ़ा नहीं, घर पर उसकी सेल्फ स्टडी नहीं की. और दूसरी दिक्कत ये हो सकती है कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में नहीं आया. तो आपका आपकी वाली दिक्कत तो आप सॉल्व करोगे, यानी अगर आप नहीं पढ़ रहे हो और परेशानी में हो तो वो उसका उसकी सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है. लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो और परेशानी मेरी वजह से हो रही है, आप निश्चिंत होकर के मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ. मैंने एक नहीं लगभग हर एक लेक्चर में यह बात आपसे कही है कि आप जरूर डिस्कस करें मुझसे अपने प्रॉब्लम को. आज हम लोग समरी पढ़ने जा रहे हैं. आपको मैं आपने देखा होगा मैं लगातार एक आध क्लास का गैप दे रहा हूं, और उस गैप को देने के पीछे का एकमात्र कारण यह है कि आप स्टडी कर पाओ सही ढंग से, ताकि जब अगली लेक्चर आए तो आप रेडी रहो कि नहीं सर अभी तक जो आपने स्टडी कराई वो मेरे लिए एकदम बिल्कुल बिंदास, मैं तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से सबका जवाब दे सकता हूं. तैयारी ऐसी होनी चाहिए, इसलिए छोटा छोटा लेक्चर डाला जा रहा है ताकि आप आराम आराम से कंफर्टेबली उसको तैयार करते जाओ. आपको समझिए ये लेक्चर नहीं हो रहा, ये आपके लिए एक टारगेट है जिसको आपको अटेंड करना है. दूसरी बात जो मैं बोलने वाला हूं वो ये है कि आप जान रहे हो कि आप जून में प्रवेश कर चुके हो. नाउ यू हैव नथिंग टू लूज. You have no time to expend. You have no time to spend in anywhere, any other activities. You will have to walk and walk and walk. And as I always tell you that there are two types of people in world. One, the quitter, and the other, the winner. I always tell you, quitters never win and the winner never quit. Quitter यानी कि भाग जाने वाला, छोड़ देने वाला. भगोड़ा कभी जीतता नहीं है और विजेता कभी भागता नहीं है. मेरा विश्वास मानिए, आपके कई मित्र ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने ये सोच लिया है कि अभी क्लासेस सही ढंग से कर नहीं पाया या पाई, छोड़ दो इस क्लास, इस साल को ड्रॉप कर देते हैं और अगले साल एग्जाम की देंगे बेहतर ढंग से. विश्वास कीजिए, ये सोच रहने रखने वाले लोगों का बेहतर कभी नहीं आता. ऐसे लोग भगोड़े होते हैं जो समस्याओं से भागते हैं,
और मुझे पूरा विश्वास है आप क्विटर नहीं हो। आप वैसे लोग हो जो हार में भी जीत को ढूंढ लेते हो। आइए एक बेहतरीन कैप्टन बन के दिखाइए जो विकट परिस्थिति में भी अपनी टीम को जीता ले जाता है। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चलिए हम लोग क्रिकेट का ही उदाहरण लेते हैं, वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। एक बड़ा खिलाड़ी, एक अदना खिलाड़ी बड़ा तब बन जाता है जब वो डिफिकल्ट सिचुएशन से अपने टीम को बाहर निकाल करके और टीम को जिता लेता है। जब लोग मान लेते हैं कि टीम हार गई और फिर आखिर में जब वो बल्ला घुमाते हुए मैदान से निकलता है तो जीत की देवी उसके गले में माला डाल देती है। और अगर किसी को आदत बना ले कोई आदमी, यानी जीतने की आदत, किस परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, तभी वो बड़ा बन जाता है। तो आपको शपथ लेना है कि मुझे जीतना है, और ये जीत केवल दिमाग से तैयार नहीं होगी, इसके लिए आपको तन और मन दोनों को लगाना होगा, मेहनत करना होगा। बेटर प्लानिंग के साथ, बेहतर योजना के साथ तैयारी कीजिए। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिए। हाउ मच डिड यू स्टडी डजेंट मैटर, हाउ डिड यू स्टडी इट मैटर्स द मोस्ट। आपने कितना ज्यादा पढ़ लिया ये मायने नहीं रखता, आपने कैसे पढ़ा ये मायने रखता है। तो आपको ये तय करना होगा कि हमें ये चीजें पढ़नी है और इन चीजों को मैं कैसे पढ़ूं ताकि बेहतर अंक ले सकूं। मैंने हमेशा आपसे प्रैक्टिकल बात की है, आइडियोलॉजी अपनी जगह, भगवान ना करे ऐसा कष्ट किसी को झेलना पड़े जैसा आप झेल रहे हो। आपके आसपास मार्गदर्शक नहीं है, यानी मेरे और अन्य शिक्षकों के जैसे लोग शायद नहीं है जो आपका सही ढंग से मार्गदर्शन कर पाए कि फिजिक्स में ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो, केमिस्ट्री में ये डाउट है तो ये क्लियर कर लो। तो इन दुविधाओं के बावजूद धारा के साथ अगर तैरे तो कोई बड़ी बात नहीं, धारा के विपरीत अपनी नाव को किनारे लगा ले तो बड़ी बात है। आपको धारा के विपरीत तैरना है और एक बेहतरीन रिजल्ट देना है, और मुझे पूरा भरोसा आप ऐसा कर सकते हो। ये सारी बातें मुझे बीच बीच में इसलिए बोलना पड़ता है कि मैं एहसास कर पा रहा हूं कि आप, यू आर डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड एंड लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड एज वेल। यू कैनॉट कंट्रोल द सर्कमस्टांसेस, यू कैनॉट कंट्रोल द सिचुएशन। व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंट्रोल योर माइंड। You can understand what you have to do. You can know how you can do those things. So you will have to be ready. Whatever be the circumstances, you are the winners. You are the brave people and you can do this. And I am 100% sure that you will come out of all these adverse situations, odd situations. हिम्मत नहीं हारना है। रामधारी सिंह दिनकर की कई कविता को मैंने कई बार आपके सामने बोला है, मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। खम ठोक ठेलता जब है नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। खम ठोक ठेलता जब है नर, खम मतलब होता है ताल, ताल समझते, पहलवान को देखा होगा जांग पटकते हुए। तो खम ठोक ठेलता जब है नर, नर मतलब मनुष्य,
जब ताल ठोक करके मनुष्य आगे बढ़ जाता है, पर्वत के जाते पांव उखड़, पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाता है, उसको भी हमें जगह देना होता है। आपने दशरथ मांझी के बारे में सुना ही होगा कि पहाड़ों को काट करके अकेला इंसान जिसने कि रास्ता पैदा किया। तो खम ठोक ठेलता जब है नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कि जब मनुष्य जोर लगाता है हिम्मत के साथ तो पत्थर को भी पिघला देता है, पानी बना देता है। और ना तो मैं आपको पर्वत का पांव उखाड़ने कह रहा हूं, ना आपको पत्थर को पिघलाने कह रहा हूं, मैं आपको कोई रॉकेट साइंस सॉल्व करने नहीं कह रहा हूं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके रास्ते हैं, रास्ते क्या कि आप मुझसे बात करें, संबंधित विषयों के अन्य शिक्षकों से बात करें, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो पाए वो सही, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू, यूट्यूब पर जो कमेंट सेक्शन है उसके थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को पुट करें और प्रॉब्लम को क्लियर करें। और मुझे पूरा भरोसा है मेरे ही जैसे अन्य लोग भी आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आराम से आप निकल लोगे। रुकना नहीं है, टिकना नहीं है, आशा नहीं देखना इस साल रुक जाते हैं अगले साल सोचेंगे, नहीं, इसका मतलब आप भाग गए, आप डर गए। आपको भागना डरना नहीं है। इन सारी अधूरी बातों को शायद आगे भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। आपके गिरते हुए मन को मुझे उठा के रखना है, आपके चुकते हुए धीरज को मुझे बचा के रखना है। आप बहादुर लोग हैं, आप कर सकते हो। तो चलिए अब और ज्यादा नहीं, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत इज माई होम की समरी, और उसको ठीक से समझिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत जल्दी आपको पीडीएफ के थ्रू नोट्स दिया जाएगा हिंदी में, इसी की हिंदी, कोई अलग चीजें नहीं हो। तो आप केवल इंग्लिश को आप ठीक से पढ़िए, उतार लीजिए, हो तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं क्या है समरी में। भारत इज माई होम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, नीचे कीवर्ड्स दे दिए जो जो हार्ड वर्ड्स आपको लग सकता है। भारत इज माई होम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं उदाहरण या अंश, हिस्सा। तो भारत इज माई होम कंप्लीट भाषण नहीं, उसका एक क्या है, हिस्सा। तो एक हिस्सा है डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिए गए भाषण का एक अंश है, एक हिस्सा। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच, यहां आप देखिए डिलीवर द स्पीच मतलब होता है भाषण देना। ही डिलीवर्ड दिस स्पीच इन 1967, उन्होंने यह भाषण 1967 में दिया था। आफ्टर टेकिंग ओथ फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आफ्टर टेकिंग ओथ, शपथ लेने के बाद, किसके पद की शपथ लेने के बाद, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद। ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जाकिर हुसैन साहब भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। फर्स्ट ऑफ ऑल ही रिमेम्बर्स हिज प्रेडिसेसर, यहां आप कीवर्ड में देखोगे प्रेडिसेसर मतलब होता है उसी पद पर जैसे वो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, तो उनके पहले के जो राष्ट्रपति थे, तो उनसे पहले कौन राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पहले कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति। तो पहले राजेंद्र बाबू, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो प्रेडिसेसर कहा जाता है जी पूर्ववर्ती, यानी कि मैं अगर किसी पद पर हूं, किसी जगह का हेडमास्टर हूं, तो मेरे से पहले जो हेडमास्टर था वो मेरा प्रेडिसेसर और मैं उनका सक्सेसर हुआ। तो ही रिमेंबर्स हिज प्रेडिसेसर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सबसे पहले वो अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को याद करते हैं। ही रिमेंबर्स हिम, वो उनको याद करते हैं एज ए ग्रेट मॉरलिस्ट स्कॉलर एंड ह्यूमन बींग,
वह उनको एक बहुत बड़े नैतिकतावादी के रूप में याद करते हैं। स्कॉलर मतलब क्या होता है, विद्वान, नीचे बोर्ड में दिया हुआ, एंड ह्यूमन बींग यानी मनुष्य, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राधा कृष्णन साहब को मानते हैं कि वह एक बहुत बड़े नैतिकतावादी, यानी कि जिनकी सोच बड़ी ऊंची थी, बड़े नैतिक थे, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, यानी विद्वान थे, और बहुत महान व्यक्ति भी थे, इस रूप में वो याद करते हैं। जाकिर हुसैन सेज, जाकिर हुसैन कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज न्यू। जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान होती है, भारत का संविधान क्या है, न्यू है, नहीं है, बट इफ पीपुल आर एंशियंट, एंशियंट को हम लोग हिंदी में प्राचीन कहते हैं, नीचे में बोर्ड में दिया हुआ वो सारी चीजें, यहाँ के लोग पुराने हैं लेकिन यहाँ का संविधान क्या है, यहाँ के संविधान क्या है, नहीं है। हमारे भारत रत्न बी आर अम्बेडकर ने हमें एक संविधान दिया और ये संविधान लागू हुआ 1950 में और ये राष्ट्रपति बने 1967 में, 17 साल का मात्र फासला था। तो किसी देश के इतिहास में 17 साल बहुत सेकेंड है, हाँ, दिन भर का अगर कोई मान लेते हैं, दिन भर का चक्र है उसमें जो सेकेंड का महत्व है वही सही 17 साल का महत्व, तो वही वो कह रहे हैं हमारी व्यवस्था नहीं है, लेकिन भारतीय लोग तो नहीं थे, वो तो पुराने थे, सदियों से थे। He says that he will serve his nation without any distinction. वो कहते हैं कि he will serve his nation, serve मतलब सेवा करना, वो अपने राष्ट्र की सेवा करेंगे without any distinction, distinction की हिंदी होती है भेदभाव, वो कहते हैं बिना किसी भेदभाव का वो अपने देश की सेवा करेंगे। किस चीज का भेदभाव, ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और एनी रिलीजन, ना तो वो जाति के आधार पर भेदभाव करेंगे, ना रंग की, कोई गोरा कोई काला, इसका भेदभाव करेंगे, ना संप्रदाय के रूप में भेदभाव करेंगे, ना धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे, किसी भी आधार पर वह देश के लोगों का भेदभाव नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, अकॉर्डिंग की को हिंदी में क्या कहते हैं, के अनुसार, जाकिर हुसैन के अनुसार एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, मुख्य औजार है क्या, शिक्षा, शिक्षा प्रमुख औजार है क्या करने का, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, प्राइम एजुकेशन, सॉरी, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। जाकिर हुसैन कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए उसकी शिक्षा क्या है, प्रथम औजार है, जिसके साथ सहायता से वह विकसित हो सकता है। Therefore, he wants to make all the people of India educated. Therefore को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए वो भारत के सभी लोगों को, he wants to make all the people of India, वो भारत के सभी लोगों को क्या बनाना चाहते हैं, एजुकेटेड यानी शिक्षित बनाना चाहते हैं। He says that, वह कहते हैं कि all the Indians should work, वो कहते हैं कि सारे भारतीयों को काम करना चाहिए, for themselves यानी खुद के लिए भी, एंड द सोसाइटी, वो हमें समझाते हैं कि आप अपने आप को भी मजबूत बनाओ और अपने समाज को भी समृद्ध करो, दोनों के मिलने से ही देश समृद्ध होगा। दिस डुअल एफर्ट विल मेक इंडिया ग्रेट, आप यहाँ देखोगे डुअल और एफर्ट दोनों दिया हुआ, डुअल मतलब होता है दोहरा मतलब दोनों को मिला करके, यानी मैं भी बड़ा बनू, मेरा समाज भी ऊंचा बने, और हम दोनों जब ऊंचा होंगे तब हम दोनों के प्रयास से सबसे ऊंचा कौन होगा, हमारा देश। इस तरह से जाकिर हुसैन साहब हमें कई अच्छी अच्छी शिक्षा दे करके जाते हैं, हमें ये बता के जाते हैं कि भारत को एक विशाल और महान देश बनाने के लिए उनकी क्या क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या क्या उनका नजरिया है, इन सब चीजों के बारे में पूरे कहानी में बताया गया है, जिसकी समरी अभी आपने सुनी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप पूरे समरी को ठीक से समझ पाए होंगे, और जब समझ गए हैं तो इसको ठीक से तैयार भी कर लीजिए,
एकदम तैयार रहिए टेस्ट के लिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेस्ट आने वाला है, सो उसमें मैं आपको वक्त नहीं देने वाला हूँ कि नहीं सर 2-4 दिन के बाद अब टेस्ट ऑर्गेनाइज कीजिए। कैसे ऑर्गेनाइज होगा वो हम एक आध लेक्चर में ही बता देंगे कैसे क्या करना है, तो थोड़ा तैयार हो जाइए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।